भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला साउथहैम्पटन के मैदान पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना, लेकिन शायद भारतीय टीम का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरुआत में ही भारतीय टीम के रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट गए। रोहित अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 10 गेंदें खेली और 1 ही रन बनाया। टॉस गंवाने के बाद पहले गेंदबाजी करे अफगानिस्तानी टीम ने, गेंदबाजी से अपनी शुरुआत करी और उनका दाव कामयाब हो गया। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान टीम को हल्के में लेकर बड़ी गलती कर दी, लेकिन अफगानिस्तान टीम भी किसी टीम से कम नहीं है और उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा को आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब देखना होगा आने वाले खिलाड़ी क्या कमाल दिखाएंगे। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।